दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ये विटामिन डी भी एक विटामिन ही है, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी है, सी है, ई है। तो विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर ये पूरे रहें, और तो ये क्योंकि फैट के अंदर सॉल्युबल हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर रहेंगे, इतनी आसानी से कम नहीं होंगे। लेकिन जब इसका इस्तेमाल पूरा हो जाएगा बॉडी के अंदर और हम बाहर से और नहीं ले रहे होंगे विटामिन डी, या हमारे शरीर के अंदर नहीं बन रहा होगा और विटामिन डी, तब विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें यह नहीं सोचना है कि यह तो हमारे शरीर में स्टोर है इसलिए कभी कम नहीं होगा। तो यह भी कम हो सकता है अगर हमारे शरीर के अंदर यह विटामिन डी नहीं बन रहा है या हमें बाहर से नहीं मिल रहा है। तो फिर ये पता कैसे लगेगा कि भाई ये हमारे शरीर में कम है? तो अधिकतर ये देखा गया है जिन लोगों के हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो उन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो उस वक्त क्या करें कि हम अपना विटामिन डी चेक करवा लें, डॉक्टर से मिलें, तो वह चेक करवाएगा तो पता लग जाएगा विटामिन डी की कमी है या नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का विटामिन डी की कमी होने पर डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, सुस्ती रहती है, सारे दिन लेटे रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी विटामिन डी की कमी देखी गई है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी देखी गई है, क्योंकि हमने देखा है कई बार कई बुजुर्ग लोगों की बोन्स जल्दी टूट जाती हैं, जरा पलंग पर से भी नीचे गिर गए तो भी बोन टूट गई, बाथरूम में फिसल गए तो भी बोन टूट गई। तो कारण क्या होता है कि उनकी बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे उनकी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। और कैल्शियम अगर वो खा भी रहे हैं तो वह हड्डियों में लगता नहीं है, क्योंकि विटामिन डी की कमी है। तो कैल्शियम खाने के साथ साथ विटामिन डी का भी चेकअप अवश्य करवाना चाहिए, खासतौर पर वृद्धावस्था के अंदर। और फिर हमने देखा होगा कि आजकल जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, तो वह जो छोटा बच्चा होता है, साल भर का भी होता है, तो उस वक्त भी उनको विटामिन डी वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आपके बच्चों के डॉक्टर ने आपके बच्चे के लिए विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया है तो वह उसे अवश्य दें। अपनी मर्जी से नहीं सोचे कि अरे इतने छोटे बच्चे को अभी से विटामिन क्यों खिलाने हैं। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई शंका है तो अपने डॉक्टर से अवश्य डिस्कस करें कि भाई ये इसको खिलाएं या ना खिलाएं। तो अब दूसरी चीज़ आती है, भाई कम क्यों हो जाता है? तो आजकल यह देखने में आया है कि काफ़ी सारे लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। फिर एक प्रश्न लोग ये भी करते हैं कि भाई आजकल क्या बात है, सभी को कम होने लग गया, हमारे दादी को, दादा को, नाना को, नानी को, इनको तो कभी कम नहीं हुआ, ये हमारे बुजुर्ग जो थे, अब हमें क्यों कम हो जाता है? तो इसके पीछे मुझे लगता है कि कई कारण हो सकते हैं। एक तो पहले का खान पान अच्छा था, जो सभी कह देते हैं, धूप भी अच्छी आती थी, पॉल्यूशन कम था। तो जब पॉल्यूशन कम था तो जो सूरज से आने वाली किरणें हैं वो सीधी नीचे तक आती थी, हमारे स्किन के ऊपर लगती थी, और उससे विटामिन डी बनता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस वक्त कोई चेक ही नहीं करवाता था, जब चेक नहीं करवाता था तो फिर पता कैसे लगेगा कि विटामिन डी की कमी है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ये है कि आजकल क्योंकि वातावरण दूषित ज़्यादा है तो सूरज की किरणें नीचे कम आती हैं, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी शरीर के अंदर हो जाती है। तो अब विटामिन डी की कमी कैसे पूरी करें? तो जो लोग मांसाहारी है तो उन्हें अंडे में, चिकन में, फिश में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं तो उनके लिए दूध, मशरूम, बादाम, अंकुरित दालें, इनका सेवन जरूर करना चाहिए। और फिर भी अगर लगे कि विटामिन डी की कमी है तो फोर्टिफाइड जो सप्लीमेंट्स आते हैं, जिस तरह सोया मिल्क फोर्टिफाइड आता है, आलमंड मिल्क फोर्टिफाइड आता है, इस तरह की चीज़ों का भी सेवन करें, उससे भी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का पेट ही खराब रहता है, मतलब उनमें पेट के अंदर जो है कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे सीलिएक डिसीज है, या उनको दस्त जल्दी जल्दी लग जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो उनका भी विटामिन डी हजम नहीं होता है। तो जब वो हजम नहीं होता है तो उससे भी फिर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। अगर ऐसा है तो अपने विटामिन डी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट भी लें और अपने पेट का इलाज भी करवाएं। तो उसके लिए आप अपना होम्योपैथिक इलाज करवा सकते हैं पेट का। जब पेट की एब्जॉर्प्शन पावर ठीक हो जाएगी, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी हमारा ठीक हो सकता है। और नहीं होगा तो अंत में फिर आपको
विटामिन डी की गोली खानी पड़ेगी या उसका पाउडर लेना पड़ेगा या उसका कैप्सूल लेना पड़ेगा, लेकिन लेना जरूर पड़ेगा और लेना भी चाहिए। इससे कभी परहेज ना करें, लेकिन कितना खाना है ये अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाएं, अपनी मर्जी से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि अगर विटामिन डी आपका बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वह नुकसान करेगा, जिसे हाइपरविटामिनोसिस कहते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि विटामिन डी हमारे शरीर में पूरा रहे, पूरा नहीं है तो सप्लीमेंट लें, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों।